कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को मेरठ और मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हिंसा का शिकार हुए लोग और उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका सबसे पहले मुजफ्फरनगर में हिंसक प्रदर्शन में मारे गए नूर मोहम्मद के घर गई। उन्होंने पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया और कहा कि कांग्रेस पुलिस की अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। इसके बाद मेरठ के प्रतापपुर में पीड़ितों से मिली। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीए के विरोध का श्रेय लेने की होड़ लगी है।